Hello everyone, I welcome you all. Today we are going to start our new chapter, chapter number 3, Our Country India. This is first part of this chapter. In this part, we are going to discuss basic introduction of our country, right? Regarding like its population, okay? Then its other name. So let's start. In this lesson, we will learn about physical divisions of India, the Himalayas, Northern Plains, Coastal Plains, Desert Region, Indian Peninsula and Islands. देखिए इस लेसन में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, हमारी कंट्री में जो लैंड है, जो लैंड एरिया है, उसमें किस टाइप के लैंड फॉर्म्स हैं, ये हम डिस्कस करेंगे. देखिए फिजिकल डिविजन्स का मतलब ही यही है कि आपका जो लैंड है, जो लैंड एरिया है, वो कैसे डिवाइडेड है. मैंने इसलिए लिखा भी है ऑन द बेसिस ऑफ लैंड. ठीक है, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, डू यू नो द नेम ऑफ आर कंट्री, हमारी कंट्री का नेम क्या है. इंडिया इज़ आर कंट्री, इट इज़ ऑल्सो नोन एज भारत. हमारी कंट्री का नेम क्या है, इंडिया, और इसका अदर नेम क्या है, भारत. ओके, इंडिया इज़ अ बिग एंड ब्यूटीफुल कंट्री, इंडिया जो है वो बहुत बड़ी कंट्री है और एक ब्यूटीफुल कंट्री भी मानी जाती है, बहुत सुंदर है हमारी इंडिया. इट इज़ द सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. देखिए इंडिया को सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री माना जाता है पूरे वर्ल्ड में. पूरे वर्ल्ड का मतलब क्या कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं ऑल ओवर द अर्थ, जितने भी एरियाज़ हैं, उसमें हमारी कंट्री सेवन्थ नंबर पर आती है एरिया वाइज. ठीक है, इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. और पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखें, पॉपुलेशन का मतलब पहले बता देता हूँ, पॉपुलेशन का मतलब है कि एक एरिया में कितने लोग रह रहे हैं. ठीक है, सो पॉपुलेशन वाइज कितना सेकेंड नंबर पर आ रही है. ओवर 130 करोड़ पीपल लिव इन इंडिया. देखिए आपकी बुक में भी 130 करोड़ मेंशन होगा, इसको करेक्ट करके हमको कितना कर लेना है, 136 करोड़. ठीक है, अभी क्या है ये अपडेटेड नहीं हो पाई है फिगर. ठीक है, चाइना विच इज़ आर नेबर हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. हमारी नेबर माना जाता है चाइना को, चाइना भी एक कंट्री है, उसको हमारा पड़ोसी देश माना जाता है और उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ सबसे ज़्यादा लोग माने जाते हैं कहाँ पर, चाइना में. ठीक है, और नंबर वन है पॉपुलेशन वाइज. ठीक है, वाइल चाइना इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द एशियन कॉन्टिनेंट. अगर हम सिर्फ अभी एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें, देखिए सेवन कॉन्टिनेंट्स मैंने आप लोगों को चैप्टर 2 में पढ़ाए हुए थे. ठीक है, तो अगर हम सिर्फ एशिया की बात करें, एशिया कॉन्टिनेंट की, तो इंडिया सेकेंड नंबर पर आती है लार्जेस्ट कंट्री में. ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी आ रही थी, वो सेवन्थ लार्जेस्ट, राइट. एंड चाइना इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया. और एशिया वाइज, एशिया में अगर हम देखें, एशिया कॉन्टिनेंट में लार्जेस्ट कंट्री कौन सी आ रही है, चाइना. ठीक है, फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ इट इज़ अबाउट 3200 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट इट इज़ अबाउट 3000 किलोमीटर्स वाइड. देखिए अब उन्होंने बताया है कि अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन से लेके साउथ डायरेक्शन तक डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो हमारी इंडिया का कितना डिस्टेंस होता है, 3200 किलोमीटर्स. और अगर आप वेस्ट से लेके ईस्ट डायरेक्शन तक डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो कितना होता है, 3000 किलोमीटर्स. ठीक है, देखिए अभी अब हम इसको ना मैप पर देख लेते हैं कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग है क्या. देखिए ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है. ठीक है, ये फोर मेन डायरेक्शंस भी हमने चैप्टर 2 में डिस्कस किए हैं. ठीक है, वो ये बोल रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन कितना डिस्टेंस है, 3200 किलोमीटर्स, ये देखिए. ओके, एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, या फिर वेस्ट से लेके ईस्ट तक कितना डिस्टेंस है, 3000 किलोमीटर्स वाइड. ओके, ये लॉन्ग हो गया और ये वाइड हो गया. ठीक है, इट हैज़ मैनी हाई माउंटेन रेंजेस, रिवर्स एंड प्लेन्स. हमारी इंडिया में कई माउंटेन रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस भी हैं. ठीक है, पहाड़ हैं कई सारे. ठीक है, रिवर्स हैं, कई सारी नदियां बहती हैं. प्लेन्स, प्लेन्स का मतलब होता है जो मैदानी एरिया होता है ना, उसको कहा जाता है प्लेन्स. ठीक है, मैदान वाले क्षेत्र को. देखिए एक फैक्ट शेयर किया है यहाँ पर, डू यू नो
the three most populous countries in the world are China, India and USA. थ्री मोस्ट पॉपुलेशन पॉपुलस कंट्री का मतलब क्या कि उन कंट्रीज़ की सबसे ज़्यादा क्या है पॉपुलेशन है. नंबर वन पर है चाइना, नंबर टू इंडिया एंड थर्ड वन इज़ यूएसए. ठीक है, देखिए बेसिक लेट अस स्टडी द फिजिकल डिविजन्स ऑफ आवर कंट्री ऑन द मैप. देखिए यहाँ पर हम मैप पर वन बाय वन नेक्स्ट पार्ट से मैं आपको बताऊँगा कि वन बाय वन हम फिजिकल डिविजन्स डिस्कस करेंगे कि फिजिकल डिविजन्स एग्जैक्टली होते क्या हैं. ठीक है, बट अभी हम देख लेते हैं बेसिक. जैसे माउंटेन्स है, ये हमारा इंडिया का मैप है, ये इन्होंने बताया है फिजिकल डिविजन्स. ठीक है, कि इंडिया कैसे डिवाइडेड है. देखिए माउंटेन रेंजेस कैसे बता रहे हैं, ये जो ब्राउन एरिया दिख रहा है मैप पर, ये क्या है माउंटेन एरिया. प्लेन्स, ये है प्लेन्स मतलब मैदान वाला एरिया. इनके मीनिंग जो हैं पर्टिकुलर वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा. ठीक है, वन बाय वन जो नेक्स्ट पार्ट रहेंगे इस चैप्टर के उसमें हम डिस्कस करेंगे. कोस्टल प्लेन्स, ये देखिए ये कोस्टल प्लेन्स लाइट ग्रीन कलर से बना हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है. प्लेट्यू, प्लेट्यू वाला एरिया ये देखिए, ये प्लेट्यू वाला एरिया हो गया पिंक कलर में. एंड डेजर्ट को शो किया है येलो कलर से. ठीक है, ओके. So everyone, this is all for the part 1. What we have seen that our country's other name is Bharat. Okay, and its population is around 136 crores. You might have seen that in our book, it is given 130 crores. But it is not so. Our country's recent data regarding population is 136 crores now. And we also have seen that China is the most populated country in the world. And we also see the distance between north to the south and west to the east. Okay, so from north to the south it is around 3200 kilometers long, and from west to the east it is around 3000 kilometers wide. I hope you all understood this video. Thank you.